हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को पढ़ रहे थे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस पढ़ा है, और उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए अप्लाई किया, हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए अप्लाई किए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, उसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास एक रॉड है और वो रॉड थिन है और यूनिफॉर्म है। जब मैं थिन कह रहा हूं, इसका मतलब कि एक तरीके से जो रॉड है उसको हम वन डायमेंशनल कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो एक थिन रॉड है और वो यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि उसका मास थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप लॉजिक समझ रहे हैं। तो हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, और उस थिन यूनिफॉर्म रॉड का अलग-अलग एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कौन-कौन सा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करें? देखिए, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम लोग दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। एक एक्सिस जो कि उसके सेंटर से गुजर रहा है और परपेंडिकुलर है, एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है लेकिन उसके एक एंड के अबाउट गुजर रहा है। ये दो केसेस हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला केस है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन यूनिफॉर्म रॉड का, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। ये थिन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, और वो परपेंडिकुलर एक्सिस इस रॉड के सेंटर से गुजर रहा है। क्लियर है बात? तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। बच्चों जैसे कंसीडर करिए कि मेरे पास जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ये एक रॉड है और इस रॉड का जो टोटल मास है वो है कैपिटल एम। कितना बच्चों? इस रॉड का मास कैपिटल एम। और हम एक एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, हम एक एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस से इस एक्सिस को नाम दे दे रहे हैं वाई वाई डैश, और ये जो रॉड हमारा है वो एक्स एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक रॉड है जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा है। इस रॉड का मास एम है और इस रॉड का जो टोटल लेंथ है वो एल है। इस रॉड का टोटल लेंथ क्या है बच्चों? कैपिटल एल के बराबर, ठीक है। और एक एक्सिस है वाई एक्सिस के अबाउट जो कि इस रॉड के परपेंडिकुलर है और बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा हो एक्सिस। तो अगर सेंटर से गुजरेगा, इसका मतलब कि ये जो हिस्सा हुआ वो एल बाई टू होना चाहिए और ये वाला हिस्सा भी एल बाई टू होना चाहिए। बच्चों क्लियर है? इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमने कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर अ रॉड, ठीक है, जिसका मास जो है, मास ऑफ रॉड बच्चों, मास ऑफ रॉड हमारा कितना है? मास ऑफ रॉड हमारा कैपिटल एम, ठीक है। और इस रॉड का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड, ये हमने माना है कैपिटल एल के बराबर। ऑलराइट। अच्छा, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ कैपिटल एल है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए इस रॉड का? मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपका, इसको हम स्मॉल एम सिंबल से रिप्रेजेंट करें, तो हो जाएगा एम डिवाइडेड बाय एल। यही मास पर यूनिट लेंथ होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए जरा हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस वाई वाई डैश के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, इस रॉड के छोटे से हिस्से को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है बच्चों हमारा, इसका जो विड्थ है वो सपोज कर लो डीएक्स के बराबर है। कितनी चौड़ाई है इसकी? डीएक्स के बराबर है।
और इसकी जो दूरी है सेंटर से वो मान लो कि एक्स के बराबर है। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट लाई कर रहा है, जिसका टोटल मास एम है और टोटल लेंथ एल है। क्योंकि वो यूनिफॉर्म है इसलिए उसका मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम अपॉन एल। ठीक है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू जो कि इस रॉड के सेंटर से गुजर रहा है। अब बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या आइडिया लगाया, हमने सोचा कि यार हम ना इस रॉड में एक छोटा सा हिस्सा जिसका विड्थ डीएक्स है और एक्सिस से उसकी दूरी एक्स है, क्यों ना हम पहले इस छोटे से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट। उसके बाद अगर मुझे इस छोटे से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा तो मैं इस पूरे रॉड के लेंथ के लॉन्ग अगर इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारा, राइट? लॉजिक तो यही कहता है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन इन रॉड ऑफ विड्थ डीएक्स। कितना विड्थ है बच्चों इसका? डीएक्स एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्सिस। हमने क्या कंसिडर किया है? हमने एक छोटा सा पोर्शन इस रॉड में कंसिडर किया है जिसका विड्थ डीएक्स है और एक्सिस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, तो इसका जो मास है, मास ऑफ डीएक्स एलिमेंट, इस डीएक्स एलिमेंट का जो मास है डीएम, ये कितना होना चाहिए बच्चों? तो भाई मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल है, एक यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल, तो डीएम यूनिट डीएक्स यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल इंटू डीएक्स, यही डीएम होना चाहिए हमारा। भाई टोटल मास एम, टोटल लेंथ एल, तो एक यूनिट का मास, मास पर यूनिट लेंथ है एम अपॉन एल। अच्छा, एक यूनिट का मास m अपॉन l, तो दो यूनिट का कितना होगा? 2 इनटू m अपॉन l, तीन यूनिट का 3 इनटू m अपॉन l, यहां पर dx यूनिट का है तो कितना हो जाएगा? dx इनटू m अपॉन l। अच्छा, इसका मास हमें पता चल गया, तो मास अगर पता चल गया और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो x है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वो x के बराबर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएक्स कितना होना चाहिए बच्चों? इसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डीआई कहूं, छोटा सा मास है इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए एक्स इंटू डीएम, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, ये होना चाहिए। एमआर स्क्वायर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, इसका मास डीएम है और r यानी कि दूरी जो वो x है, तो m यानी m की जगह dm और r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी जो है वो x के बराबर है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di जो है बच्चों वो देखिए कितना आ जाएगा, m by l x स्क्वायर into dx होना चाहिए। ये x स्क्वायर यहां पर लिखा है और dm की जगह मैंने लिखा है m by l into dx। ये इस छोटे से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकल कर आया है। अब अगर इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? अगर ये हमारा ओरिजिन है, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस एल बाई टू से ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस एल बाई टू। भाई ये x एक्सिस है, y एक्सिस, तो ओरिजिन तो यही हुआ ना, इससे l बाई टू लेफ्ट की तरफ माइनस एल बाई टू होगा और राइट की तरफ प्लस एल बाई टू होगा। तो इसीलिए अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर रॉड, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई कह रहा हूं बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस छोटे से हिस्से का मिला है उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या होगा? इंटीग्रल
डी आई की जगह मैं लिख रहा हूं एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक यही करेंगे। इसमें देखिए एम अपॉन एल तो मेरा आ जाएगा बाहर, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है बच्चों एक्स टू दी पावर थ्री अपॉन थ्री, ये हो जाएगा प्लस एल बाई टू पुट करेंगे, यहां पर माइनस एल बाई टू पुट करेंगे, ठीक है। जरा पुट करके देखते हैं, ये हो गया m डिवाइडेड बाई थ्री तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 3l, जब मैं l बाई टू पुट करूंगा x क्यूब की जगह, थ्री हमारा बाहर आ गया, इसकी जगह तो ये हो जाएगा l क्यूब अपॉन एट माइनस माइनस l बाई टू पुट करेंगे तो माइनस l क्यूब अपॉन एट यही आएगा, ठीक है। माइनस अब क्यूब भी तो माइनस ही रहेगा ना, तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है m अपॉन 3l इंटू एल क्यूब बाई एट और माइनस माइनस प्लस एल क्यूब बाई एट, ये हो गया आपका m अपॉन 3l इंटू, ये देखिए एल क्यूब बाई एट को दो बार ऐड किए तो हो गया एल क्यूब बाई एट इंटू टू यानी कि एल क्यूब बाई फोर के बराबर हो जाएगा, यहां एक एल से ये कट जाएगा। तो फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आ रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है बच्चों इस रॉड का इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल कर रहा है, क्लियर है बात। चलिए इसको समझ समझ कर आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसका केस टू हम लोग देखते हैं। बच्चों तो ये सेकेंड केस हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए। सेकेंड केस है, पहला केस हमने देखा था कि एक थिन रॉड है और उसके परपेंडिकुलर उसके सेंटर से एक एक्सिस गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है लेकिन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर गुजर रहा है, कहां से गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने कैलकुलेट किया था वो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व के बराबर आया है, राइट। अब जो सेकेंड केस हमारा है वो कह रहे हैं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन यूनिफॉर्म रॉड कैलकुलेट करना है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, अभी भी एक्सिस परपेंडिकुलर ही है थ्रू इट्स वन एंड, लेकिन पिछले केस में हम लोग उस एक्सिस को सेंटर से गुजार रहे थे, अब उस रॉड के एक एंड से गुजार रहे हैं, यानी कुछ इस तरीके से, देखिए ये हमारा रॉड है बच्चों, ठीक है, इस रॉड का जो टोटल मास है वो कैपिटल एम है और इस रॉड का जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल एल है, राइट। और अब जो हमारा एक्सिस है वो किसी एक एंड के अबाउट गुजर रहा है, यानी ये अब हमारा एक्सिस है, ठीक है। अब हमारा जो एक्सिस है, सपोज करो इस एक्सिस को अगर मैं ए बी कह दूं तो इस ए बी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो एक तरीका तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप खुद से प्रैक्टिस करिए, वो तरीका है जैसे पिछले केस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था कि भाई टोटल मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ m by l हो जाएगा, फिर आप एक dx एलिमेंट लीजिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, भाई उसका dx एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा m by l into dx जैसे पिछले केस में किया। उसके बाद उसकी दूरी अगर यहां से x है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m by l dx मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, देखिए अब जीरो आपका यहां पर है तो ये आपका प्लस l हो जाएगा, जीरो से l तक इंटीग्रेट करेंगे तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट
होकर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका है बच्चों कि इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को आपने क्या कहा था, वाई वाई डैश, राइट। इस एक्सिस को, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। और यहां से जो दूरी है सेंटर का वो है एल बाई टू। तो क्यों ना हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाकर कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करते हैं, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि एबी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरता हो। अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, जो कि यूनिफॉर्म है, तो सिमेट्री से हम बता सकते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर से ही गुजरेगा, यानी वाई वाई डैश एक्सिस जो गुजर रहा है। तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट प्लस टोटल मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी एल बाई टू, इस एल बाई टू का स्क्वायर। ये होगा बच्चों, ठीक है। तो भाई वाई वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, एम एल स्क्वायर बाई 12, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है वो आ रहा है एम एल स्क्वायर बाई 4, राइट। अगर मैं इसको कंबाइन करूं, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये तो आपका एम एल स्क्वायर ही होगा बच्चों, लेकिन ये आपका हो जाएगा 3 एम एल स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये 4 एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर मैं इसको कट करूं तो ये 3 आ जाएगा। तो ए बी एक्सिस के अबाउट, ए बी कौन सा एक्सिस है बच्चों, वो एक्सिस जो कि इस रॉड के परपेंडिकुलर है लेकिन उसके किसी एक एंड से गुजर रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है। मैं जो आपको तरीका कह रहा था वो मैं एक बार रफ में आपको बता दे रहा हूं, घर पे एक बार ट्राई करिएगा। इसका टोटल मास जो है बच्चों वो कैपिटल एम के बराबर है, और इसका जो टोटल लेंथ है इस रॉड का वो कैपिटल एल के बराबर है। तो मास पर यूनिट लेंथ जिसे हम स्मॉल एम कहते हैं वो कैपिटल एम बाई एल होगा, ये पिछले केस में भी किया था। फिर आप एक छोटा सा डीएक्स एलिमेंट ले लीजिए, तो मास ऑफ डीएक्स एलिमेंट कितना हो जाएगा भाई, एक यूनिट लेंथ का मास है एम बाई एल, तो डीएक्स यूनिट तो हो जाएगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। अब इस डीएक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये एम बाई एल dx into x square आ जाएगा, जैसे पिछले केस में किया था। अच्छा, एक dx के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल m by l x square dx का इंटीग्रल। लेकिन यहां पर इंटीग्रेट कहा, पिछली बार माइनस l by 2 से प्लस l by 2 किया था, लेकिन यहां पर देखिए ये 0 है और ये लेंथ प्लस l हो गया पॉइंट, तो इसलिए 0 से l तक आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो ये हो गया आपका m by l इंटीग्रल ऑफ x square dx from 0 to l, ये आपका हो जाएगा m by l into x to the power 3 by 3 0 से l तक। अगर आप पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा m by l into l cube by 3 माइनस 0, तो l cube by 3 बचेगा, ये l square हुआ, तो ये हो गया ml square by 3, सेम आंसर आ जाएगा। मैंने रफली बता दिया है लेकिन आप लोग इसको एक बार अपने एंड से सही तरीके से ट्राई करेगा, सेम रिजल्ट ml square by 3 आएगा दोनों केस में, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो अगला लेक्चर हमारा होगा, अभी दो लेक्चर्स हम लोग और करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। अगला लेक्चर होगा वो हमारा होगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिलेंडर के लिए,
हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए, और फिर एक लेक्चर हम लोग और करेंगे जिसमें हम लोग एक स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कम से कम यहां तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। सिलेंडर और स्फीयर भी मैं करा दे रहा हूं, अगर आप उसको कर लेते हैं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और प्लीज यहां तक एटलीस्ट इस लेक्चर के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि सिलेंडर वाला आप और अच्छे समझ सके, ठीक है। चलिए बाय बाय।